हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोगों की प्रैक्टिकल की तैयारी जोरों शोरों से करवाई गई है। और अब मैं आप लोग के लिए लेकर आने लगा हूँ यहाँ पर रोजाना आप लोग के प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग पता है कि जो एग्जाम हुए होते हैं आप लोग दो शिफ्ट में होते हैं, तो आज हम आप लोगों को एग्जाम के जो प्रैक्टिकल पेपर्स है उसके दोनों शिफ्टों के पेपर हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट का, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, कब कौन सी क्लास अपलोड होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेपर्स पाइथन के प्रोवाइड कराए हुए थे, लेकिन मैंने बोला था सॉल्यूशन में आप लोग को, नाइट में काफी स्टूडेंट के मैसेज आए थे सर पाइथन के सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अभी हम फटाफट से देख लेते हैं अपने पेपर्स का सॉल्यूशन। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आज का ये आया था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन अ लिस्ट। ये आया था हमारा आफ्टरनून वाली शिफ्ट में, मतलब कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यहाँ पे काउंट कर लिए, लिस्ट हमें यहाँ पे गिवन है। जैसे आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, 2 - 7 - 5, ये हमें लिस्ट है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 नेगेटिव है। सामने आपके आंसर भी लिखा हुआ है, तो यही आंसर हमारा आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पाइथन कंपाइलर पे आ जाते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पाइथन कंपाइलर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, तो लिस्ट हमें गिवन थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट को टाइप कर लेते हैं। जो लिस्ट का नाम था वहां पे थी वो List1, ओके। List1 में जो जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 7 - 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 - 7 - 5। तो लिस्ट बनाई मैं 2, -7, 5, 2, -7, और ये हो गया आपका -5, ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट में, फिर हमारा -64 - 14, तो ये हो जाएगा आपका -64, फिर हो जाएगा आपका -14, ओके। 1 मिनट, -64 - 14, तो माइनस हो गया आपका 64, माइनस हो गया आपका 14। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, -54 का माइनस आपका हो गया यहाँ पर -14, -70, और फिर इसके बाद तो -70 कर लेते हैं यहाँ पे, -70 हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना, 77, तो ये हो गया आपका -70, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका 77। तो ये तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर लिस्ट ले ली, जो लिस्ट हमें गिवन थी। एक बार आप चेक कर लीजिए, हमने लिस्ट यहाँ पर सही एंटर की है कि नहीं। 2 - 7 - 5 - 64 - 14, और यहाँ पर 70 और 77। इतना करने के बाद अभी हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव काउंट करने, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज, तो फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं लेंगे क्योंकि लिस्ट हमें गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स नंबर 4 लगाएंगे। ये वाला लॉजिक मैंने आपको कई बार बता दिया है कि अगर हमारी लिस्ट में क्या है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और लेस देन है तो क्या होगा, निगेटिव। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, अगर आई में जो वैल्यू में क्या है आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या बढ़ेगा आपका यहाँ पे, पी बढ़ेगा। तो हमने कहा पी इज इक्वल टू पी प्लस 1, पी में कितने का इंक्रीमेंट हो जाए, 1 में हो जाए। अब आपको निगेटिव की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स लगाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे निगेटिव हमको काउंट कर लेंगे, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हमने डायरेक्ट यहाँ पे काउंट कर लिया, ओके। और साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग बाय बाय के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कौन कौन से बाय बाय के क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। यहाँ पर हमें पॉजिटिव बताना है, तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, तो पॉजिटिव है वो किसमें, आपके पी में है, तो इसमें आएगा आपका पॉजिटिव। और जो नेगेटिव है वो हमने किसमें काउंट कर रखे हैं, वो हमने यहाँ पे एन में काउंट कर लिया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इतना होने का, इस प्रोग्राम को रन करिए, क्या वही आउटपुट आ रहा है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव बता रहा है, मतलब कि कोई ना कोई एंट्री अभी हमारी यहाँ पे गलत है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारा, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो 2 हो गया, -7 हो गया, 5 हो गया, -64 हो गया, 14 हो गया, 77, और यहाँ पे देखिए कितने पॉजिटिव आ रहा है, 3। तो 2 हो गया पॉजिटिव में, 2 हो गया एक तो आपका, इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव में, एक आपका ये हो जाएगा 77, और निगेटिव आ रहा है माइनस, बिल्कुल यहाँ पे जो निगेटिव आ रहे हैं इसमें कितने आने चाहिए हमारे, निगेटिव निगेटिव हमारे 4 आना चाहिए। और यहाँ पे मे बी यहाँ पे आउटपुट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है निगेटिव में, जैसे माइनस ये हो गया, यहाँ पर माइनस शायद ये नहीं ले पा रहा है, तो एक बार फिर से लगाइए जरा, 2, -7, -64, 14, मे बी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो कि अभी सही होना चाहिए। एक बार हमें लिस्ट को फिर से एंटर करना होगा, क्योंकि 1 मिनट, एन इज इक्वल टू एन दिस, क्योंकि सॉरी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एन को प्रिंट नहीं किया, एक्चुअली कॉपी पेस्ट तो कर लिया, एन को प्रिंट नहीं किया, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही। देखिए अभी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेगेटिव आपके 4 हो जाएंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये आया था,
अब क्वेश्चन क्या आए थे, जैसे कि हमारे बायबा में पूछा है तो लिस्ट से जो क्वेश्चन आया था लिस्ट से ही पूछा गया था, लिस्ट को इंडिकेट कैसे करते हो। लिस्ट क्या होती है, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और जो भी वैल्यूज हो किससे सेपरेटेड हो आपकी कॉमा से सेपरेट हो। फिर पूछा गया था क्या लिस्ट में हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे लिस्ट अपर में जो हमारा लिस्ट होता है क्या हम उसमें डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या इंटीजर डेटा टाइप है, क्या हम इसमें माइन पॉइंट वाले ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो आंसर क्या देना, यस ले सकते हैं, क्योंकि नंपाई एरे में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन लिस्ट क्या होता है हमारा होम, ये हमारा हेटरोजीनियस डेटा टाइप होता है जिसके अंदर ना डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को हम लोग ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही पूछा गया था लिस्ट और टपल में क्या अंतर है, तो पहले तो ब्रैकेट में अंतर है, दूसरा क्या है लिस्ट हमारा क्या है म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल मतलब जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं, मतलब कि चेंजेबल डेटा टाइप है। जबकि टपल क्या हमारा नॉन चेंजेबल है, मतलब कि क्या है इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट जो आपका पाइथन होता है उसमें जब भी हम वैल्यू एंटर करते हैं तो वो हमारी किस में एंटर होती है, स्ट्रिंग में एंटर होती है। उसको कन्वर्ट निकले हम लोग किसका यूज करते हैं, इंट फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे। अभी बीच में हम लोग एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें ये भी पूछते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, अगर यहाँ पे जीरो की बात करते हैं कितने जीरो है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लीजिए, अगर ये आ जाए कि उसमें जीरो कितने हैं, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 2 जीरो और बढ़ा दिए। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करते, यहाँ पे लगाते आप लोग या तो इफ ही लगा देते या फिर आप क्या लगा देते एलिफ लगा देते, यहाँ पे एलिफ लगा देते, कंडीशन और बढ़ जाती आई इज लेस देन जीरो। तो जब आई इज लेस देन जीरो होता तो यहाँ पे क्या काउंट होता, आई इज लेस देन जीरो में एन प्लस बनी होता तो यहाँ नेगेटिव। फिर हमें एक कंडीशन बढ़ानी होती किसकी, एल्स में हम लोग यहाँ पे लगा देते इस बार जीरो। जीरो के लिए क्या लग जाता हमारा, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा जब हम इसको प्रिंट करते तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जेड को प्रिंट करते, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते थे या फिर जीरोस लिख देंगे। तो आप लोग के यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दिया, अगर ये भी एग्जाम में आता है तो ये भी आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे जेड को भी किससे इनिशियलाइज करना होगा, जीरो। सारी वैल्यूज आपकी किस में आएंगी, आई में आएंगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। फाइनली आप इसको रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने आएगा, 2 आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे आज का, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, तो इनपुट के लिए हमने क्या लिया, आर लिया। आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लोट। आर इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट में क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट। यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, जैसे कि हमें क्या चाहिए सबसे पहले यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर द रेडियस, यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर द रेडियस, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ और ब्रेथ, तो इंट इनपुट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट इनपुट लगा देंगे आगे। और ये भी क्या हो सकता है, लेंथ भी पॉइंट में आ सकती है, तो आपको फ्लोट ही लगा देना है। क्या किया यहाँ पे, फ्लोट। फिर हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज लिख दिया है एंटर लेंथ, एंटर लेंथ। ओके, मैंने वहां पे आपको पहले ही बता दिया है, वहां पे जब आपको रन करना है वैल्यू तो मैसेज डालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपको मैसेज डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो एंटर लेंथ हो गया। फिर उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे ब्रेथ, ये आपके ब्रेथ, ब्रेथ के लिए हमने यहाँ पे ले लिया बी। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, पहले हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा डायरेक्ट 3.14 आर इंटू आर। ओके, फिर हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का भी कुछ हमें यहाँ पे आई थिंक एरिया ही फाइंड करना है, सेकंड देख लीजिए जरा, एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, आर ई सी इज इक्वल टू एल इंटू बी। इतना करने के बाद फाइनली आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप लोग एरिया कर दीजिए, पूरे मैसेज के साथ करिएगा आप लोग एरिया ऑफ, चलिए मैं ही कर देता हूँ, एरिया ऑफ जो हमारा पहला क्या है सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, किसके अंदर है आपका एरिया ऑफ सर्किल, एरिया नाम के वेरिएबल में, तो हो गया आपका एरिया। इसके बाद जो दूसरा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वो क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतना करने के बाद, रेक्टेंगल करने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, रेक्ट आर ई सी, हमने जो वेरिएबल लिया वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आर ई सी। इतना करने के बाद अब आप इसको करिए रन, जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे इनपुट में हमारा एक ब्रैकेट मिस हो गया है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट, और वहां तो आप लोगों को क्या करना है, मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, नीचे आप लोग रन वाला ऑप्शन होगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था,
ये देखिए मैंने रेडियस सेंटर की 5 और लेंथ इनटू ब्रेथ हमने यहाँ पे की थी, तो पहले के अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका 78.5, दूसरा लेंथ में ब्रेथ 18 आवर्स का आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ, तो ये भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, इससे सारी अपडेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हम आपके पीडीएफ में बताए थे। अगर आपका पेपर 14, 15, 16 तारीख में है तो आप लोग पीडीएफ को जरूर परचेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग बेनिफिट ले सके, सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने पीडीएफ में प्रोवाइड कराए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, 100 के हैं जो आपका 100 तक में जितने भी हमारे क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं वो हमें प्रिंट करने थे। तो देखिए जरा यहाँ पे ऑड नंबर्स प्रिंट करने थे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज लगा दिए, 100 तक में करना है क्योंकि उसमें इस तरह से लिस्ट नहीं दिए, तो 100 तक में हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ओके ओके तो आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1,101 कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे 1,101। अब हमें यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए थे, तो इस कंडीशन में वही चीज है, इफ आई मॉडुलस 2, ठीक है, इफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर आई में डिवाइड देने पे क्या है 0 नहीं आया तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इवन नंबर हो जाएगा। ओके और वो है किसके अंदर, आपका आई के अंदर है, तो इसको आपको फाइनल प्रिंट कर दीजिए, तो आपके ऑड नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे 1,357। तो कितने होते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं सारे प्रिंट होके आ रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो मैसेज की तरह भी लिख सकते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी कम्प्लीट होता है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में तो लग के ही आएगा, तो आपको टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जरा, एक और क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हम लोग मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों शिफ्टों के यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपको दोनों ही, और ये वाले क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, बाय बाय के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ वर्ड डिक्शनरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 100 के बीच में जितने भी क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं उनका सम करना है, तो ये कोडिंग तो यहीं पर हो गई आपकी। यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आई में तो 2 से डिवाइड देने पर मॉडुलस कितना मिले, 0 मिले तो सम मिलेगा, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया ईवी सम इज इक्वल टू 0। तो जब भी वहां पर कोई वेरिएबल आए तो इस कंडीशन में क्या हो जाए, जब वो वेरिएबल आपका आएगा यहाँ पे, तो क्या तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पे ईवी सम की में क्या हो जाए, वो वेरिएबल आपका ऐड हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईवी सम इज इक्वल टू ईवी सम इज इक्वल टू ईवी सम प्लस क्या हो जाए आई हमारा हो जाए, तो ईवी सम की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 प्लस आई में क्या आएगा, सबसे पहले आपका 2 आएगा क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड नहीं है, तो फिर आएगा 2। ईवी सम में कितना आएगा 0 प्लस 2 से 2 होगा, फिर क्या होगा फिर से आई में क्या होगा 4 से डिवाइड, 4 में आई से डिवाइड हो जाएगा, तब क्या आएगा 4 आएगा, तो 2 प्लस 4 6, इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट कर देना है, लास्ट में प्रिंट में लगा देना आप लोग सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर, इस तरह से आप लोग मैसेज दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, सीधा सीधा देना सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, इस तरह से दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू, किस में आपके इवन नंबर ईवी सम नाम के वेरिएबल में, तो ईवी सम आपको प्रिंट कर देना है, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आंसर आएगा बिल्कुल परफेक्ट, 2550 ये सम होता है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये रहे आज के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर। इसी तरह से रेगुलर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, तो बिल्कुल से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को टिकटो पूरे पेपर्स आपको ओरिजिनल बताता हूँ। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट करना है। अब बात आती है, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं है आप लोगों की, आप लोग चाहते हैं कि सारे पेपर्स वही हैं जो आप लोग चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पर आना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। सबसे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे, ये बनी है हमारी प्लेलिस्ट, इस बस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे पाइथन के लगभग 55 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इसमें सारे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल में आते हैं, और साथ ही साथ पेपर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे कल भी मैंने पेपर अपलोड किया था, परसों भी अपलोड किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आईओटी के पेपर्स के प्रैक्टिकल क्लास यहाँ मिल जाएगी, आप लोग हमारी मैराथन क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैराथन क्लास से ही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। ओके तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग आज आईओटी की प्रैक्टिकल की क्लास भी चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी मैंने आईओटी के प्रैक्टिकल क्लास अपलोड नहीं की हुई है आज के पेपर की, अगर आप लोग चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करिए, तो हम आप लोग के लिए प्रैक्टिकल की क्लास आज के आईओटी के ओरिजिनल पेपर्स आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।